हेलो फ्रेंड्स, हूँ छू हार्दिक पटेल, आइकॉन एंजीनियरिंग ट्यूशन क्लासेसनी चैनल में आपनू फरीथी एक बार स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, डिप्लोमा सेमेस्टर टू एप्लाइड मैथमेटिक्स जेनो चैप्टर नंबर 5 स्टेटिक्स आंकड़ाशास्त्र पार्ट नंबर 2 तमारा समक्ष रजू कर रह्यो छूं। मित्रों, आज ऑलरेडी तमे पार्ट नंबर 1 जोई लीधो हशे, जो हजी सुधी बाकी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मूकेली है। तो पहला पार्ट नंबर 1 आपणे जे मध्यक एटले के मिनी चर्चा करी हती ये तमे जोई लेशो। जीटीयूना पेपर में 15 मार्क्स नो पूछावानो छे। आगळना दरेक चेप्टरना वीडियो मैं अपलोड करेला छे, दरेक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मूकेली छे। अने मारी पोतानो व्हाट्सअप ग्रुप चाली रह्यो छे सेमिस्टर टूना विद्यार्थी मित्रों माटे, तो ये जॉइन करवा मागता हो तो तमे जॉइन करी शको छो। एना माटे पण लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मूकेली छे। अने आईएमपी कोर्स पण मैं डिस्क्रिप्शन में मूकेला छे, तो जॉइन करी शको छो। आजनो आपणो टॉपिक छे सरेराश विचलन। बीजो एक एक्जाम्पल तमारो पूछाशे सरेराश विचलन। तो सरेराश विचलन एटले शू? तो मित्रों, पहला आपणे आगळ जोई गया के एक्स बार एटले के मध्यक कहीए छे। शू कहीए छे? मध्यक। तो मध्यक बराबर सूत्र हता बे हता आपणा पारे, सिग्मा एक्साई अपॉन ए आ अवर्गीकृत माहिती हतुं अने सिग्मा एफ आई एक्साई अपॉन एन ए वर्गीकृत माहिती माटे हतुं। क्लियर? एज प्रमाणे अहींया पण आपणे बे ज रीते थवानुं छे। सरेराश विचलन शोधवुं होय एना माटे पहेलुं छे अवर्गीकृत माहिती माटे, अवर्गीकृत माहिती एटले शू के अनग्रुप डेटा। कयो थशे? अनग्रुप डेटा आपेलो होय तो एना माटेनो सिम्बॉल छे सरेराश विचलन, एटले डेल्टा एक्स बार अथवा रो एक्स बार कही शकाय। तो रो एक्स बार इज इक्वल टू एनु सूत्र छे सिग्मा मानाकनी अंदर एक्साई माइनस एक्स बार अपॉन एन। हवे मित्रों, अहींया जोई शको छो के अहींया एन बार आप्यो, एक्स बार आप्यो छे। एक्स बारनो मतलब शू थशे? मध्यक। एटले तमारे पहेला मध्यक तो शोधवो ज पड़शे, पछी तमने अवर्गीय तमने विचलन मळशे, सरेराश विचलन मळशे। ओके, अने वर्गीकृत माहिती माटेनुं सूत्र जोई लीए। तो वर्गीकृत माहिती माटे सूत्र छे, फक्त फरक पड़े छे सिग्मा एफ आई ब्रेकेटनी अंदर शुं आई जशे? एफ आई आई जशे। एफ आई ब्रेकेटनी अंदर सॉरी मानांकनी अंदर एक्साई माइनस एक्स बार अपॉन एन थई जशे। क्लियर? तो आ वर्गीकृत माहिती माटेनुं छे अने ऊपर आपेलुं छे अवर्गीकृत, अवर्गीकृतनी अंदर फ्रीक्वंसी आपेली हशे नहीं। मित्रों, क्लियर? कई रीते पूछाय छे एक्जाम्पलनी अंदर ए जोई लीए। हवे तो आपणा फॉर्म्युलास थई गई। हवे अहींया पहेला वात करे अवर्गीकृत माहिती आपेली होय, ताले एक्जाम्पल आपेलो छे अहींया, मने डेटा आपेलो छे 4, 6, 2, 4, 5, 4, 4, 5, 3 and 4। એને એવું કીધું છે કે આપેલી માહિતી માટે સરેરાશ વિચલન શોધો, સરેરાશ વિચલન શોધો। ઓકે, હવે માહિતી કેવી છે મિત્રો? માહિતી કેવી છે આપણને આઈડિયા આવી ગયો? તો માહિતી જે આપી છે કઈ છે? અવર્ગીકૃત છે, જેની અંદર કોઈ વર્ગ આપેલો નથી, એટલે કે કોઈ તમને वर्ग आपेलो नथी। ओके, तो एना हूँ सौ प्रथम मित्रों शू करीश, मारे एक्स बार शोधव पड़े, एटले के मध्यक शोधव पड़े। शू शोधव पड़े? मध्यक। तो मध्यक बराबर शू थशे? सिग्मा एफ सॉरी सिग्मा एक्साई अपॉन एन। शू थशे? सिग्मा एक्साई एक्साई अपॉन एन, एटले के सिग्मा एक्साई अपॉन एन। चलो, सिग्मा एटले के शू थशे? 4 + 6 + 2 + 4 + 5 + 4 + 5 + 3 + 4। ओके, एनो टोटल अने अहींया शू थशे तमारुं एन। तो केटली छे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शू थशे? 10 थशे टोटल। ओके, तो टोटल एनो थशे, ए आपणे टोटल करी जोईए। तो आपेला छे 4 + 6 = 10 + 12 + 60 + 5 = 21। ओके, + 8 એટલે 4 કરી દીધા છે + 8 + 4। ઓકે, એટલે થઈ ગયા 41। ઓકે, તો 41/10 એટલે એક્સ બાર બરાબર થશે મારો 4.1। ઓકે, શું થયું? 4.1 આ એક્સ બાર થયો છે। ક્લિયર? હવે હું શું કરીશ એના માટે મારે કોષ્ટક બનાવવું પડશે। શું બનાવવું પડશે? કોષ્ટક। શું થશે? પહેલો એક્સઆઈ લેવું પડશે, કારણ કે મારું સૂત્ર શું છે? એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર, એટલે એક્સઆઈ તો મને જે આપી દીધો છે એ લઈ લઈએ। ચલો, એક્સઆઈ શું આપેલો છે? તો આ એક્સઆઈ કહેવાય બધા। ઓકે, તો એક્સઆઈ શું છે? 4 છે 6 છે પછી 2 છે પછી 4 છે પછી 5 4 4 5
थ्री अने फोर तमे आ अहीं ना शोधो तो तमे अहीं पण शोधी शको छो, एनो टोटल कर दो तमे ले सिग्मा एक्साई तो केटलो थई गयो 41 थई गयो, अहीं करी शको सिग्मा। ओके चलो अहीं शुं थशे, एक मानांकनी अंदर एक्साई माइनस एक्स बार, तमे कोष्टक पण डायरेक्ट बनाई शको छो अहीं। ओके तो कोष्टक बनावो तो अहीं बनाई शको छो। चलो एक्साई केटलो छे, पहले एक्साई फोर है, एम माइनस 4.1 जैसे एट्ले 0.1, पर माइनस हो तो किंमत कि प्लस आशे એટલે 0.1 ખબર પડે છે। એક્સાઈની કિંમત કેટલી 4 અને એક્સ બારની કિંમત કેટલી 4.1, તો 4માંથી 4.1 જાય તો માઇનસ 0.1 આવે, પણ અહીંયા માનાંક છે મૂળ છે એટલે 0.1 માઇનસ નહીં આવે પ્લસ જ આવશે। અહીંયા 1.9 આવશે, અહીંયા આવશે 2.1, અહીંયા આવશે 0.1, અહીંયા 1.1, અહીંયા આવશે 0.1, ક્લિયર, અહીંયા 0.1, અહીંયા 1.1, અહીંયા 3 છે એટલે આવશે 1.3 છે એટલે 1. કેટલો આવશે, સોરી 5 છે તો 0.9 આવે મિત્રો। ઓકે 0.9 આવશે, ઓકે, કારણ કે 4માંથી બાદ થશે। પછી 1.1, ઓકે અહીંયા પણ 5 છે તો કેટલા આવશે 0.9 આવશે, અને 4 છે તો 0.1। ઓકે હવે ટોટલ કેટલું થશે આનું, સિગ્મા સિગ્મા એફ સિગ્મા એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર કેટલું થશે, સિગ્મા એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર કેટલું થશે, તો આનું ટોટલ કરીએ તો 70.4 થશે, ક્લિયર। હવે સૂત્ર જે આપણું જે છે એ પ્રમાણે જોઈ લઈએ શું થશે, સરેરાશ વિચલન, સરેરાશ વિચલન, તો સરેરાશ વિચલન બરાબર સૂત્ર શું છે આપણું, સિગ્મા માનાંકની અંદર એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર અપોન એન, ઓકે ઉલ્ટા એક્સ બાર, તો કેટલો છે 70.1 અપોન 10, ક્લિયર। તો મારો આન્સર આવશે 0.74, ક્લિયર। ઓકે તો આ થઈ ગયું મારું, જો તમને અવર્ગીકૃત માહિતી માટે આપી હોય તો પણ અહીંથી કોષ્ટક પ્રમાણે તમારે બનાવજો, તમે આ મેથડ નાખીને અહીંયા કરી દો તો પણ ચાલશે, આ રીતે કરશો તો પણ થઈ જશે, ક્લિયર। તો આ થઈ ગયું મારું સરેરાશ વિચલન શોધવું હોય, એટલે કે સરેરાશ વિચલન ક્યારે શોધવું હોય, મને શું આપ્યું, માહિતી કેવી આપી હોય, અવર્ગીકૃત આપેલું હોય ત્યારે આપણે રીતે ફાઇન્ડ કરીશું। ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ, અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે કે આપેલી માહિતી માટે સરેરાશ વિચલન શોધો, અહીંયા વર્ગ આપી દીધા છે અને આવૃત્તિ આપેલી છે, ક્લિયર। હવે વર્ગ આપેલા હોય આવૃત્તિ આપેલી હોય એટલે મિત્રો આપણને આઈડિયા આવી જશે કે શું છે, કઈ માહિતી છે, અવર્ગીકૃત માહિતી છે। અવર્ગીકૃત માહિતી માટેનું સૂત્ર શું છે જોઈ લઈએ, તો સરેરાશ વિચલન શોધવું છે તો સિગ્મા એફ આઈ માનાંકની અંદર એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર અપોન એન ફાઇન કરવું પડશે, ત્યારે મને કિંમત મળશે, ક્લિયર। તો પહેલાં મને અહીંયા શું આપ્યું છે લઈ લઈએ, વર્ગ આપ્યા છે તો અહીંયા મને કોષ્ટક લેવો પડશે, તો ફર્સ્ટ આપણે અહીંયા કોષ્ટક ડ્રો કરીએ, જે છે ગણતરી કોષ્ટકની અંદર જ કરવાની છે। તો પહેલો મારો અહીંયા આવશે વર્ગ આવશે, શું આવશે વર્ગ આવી જશે, પછી આવશે આવૃત્તિ આવશે મિત્રો, એટલે નેક્સ્ટ હું લઈ લઈશ આવૃત્તિનું કોલમ લઈ લઈશ। ઓકે ચલો આવૃત્તિ આવી ગઈ, આવૃત્તિ પછી મારું શું થશે, આવૃત્તિ પછી મારે એક્સઆઈ શોધવો પડશે, એક્સઆઈ આવી જશે, એક્સઆઈ પછી મારે શોધવો પડશે, એક્સઆઈ પછી એફઆઈ એક્સઆઈ કેમ, એફઆઈ એક્સઆઈ કેમ, કારણ કે મારે મધ્યક શોધવો પડશે, મધ્યક શોધ્યા પછી મારે શું કરવું પડશે, એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર કરવો પડશે માનાંકમાં, અને લાસ્ટ કોર્નર મારું આવશે એફઆઈ એક્સઆઈ આવશે, ક્લિયર। ઓકે આટલી વસ્તુ હું અહીંયા કરીશ ત્યારે મને ટોટલી વસ્તુ મળશે। ઓકે તો કેટલા કોલમ આવશે સરેરાશ વિચલન માટે, 6 કોલમ આવશે, કેટલા આવશે 6 કોલમ, કઈ રીતે જુઓ, પહેલો તો વર્ગ આપેલો છે તો વર્ગ, પછી આપી છે આવૃત્તિ તો આવૃત્તિને કહેવાય એફઆઈ, એના પછી એક્સઆઈ, પછી એના પછી એફઆઈ એક્સઆઈ એટલે આ મધ્યક માટે થઈ ગયું, પછી અહીંયા માનાંકમાં એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર અને એની અંદર એફઆઈ એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર, ઓકે ક્લિયર થઈ ગઈ આટલી। ચલો વર્ગ કેટલો આપ્યો છે, 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40 એન્ડ 40 થી 50, ક્લિયર આટલી વસ્તુ આપી દીધી છે, જે જે વસ્તુ જરૂર પડશે આપણે ઉપયોગ કરતા જઈશું। ચલો વર્ગ આપ્યો છે 5, 8, 50, 60 એન્ડ 6, તો ટોટલ એન કેટલો થશે મારો, એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો એન કરીએ તો આ બધાનો ટોટલ સરવાળો કરીએ તો એન થશે 50 થઈ ગયો, 50, ક્લિયર મિત્રો, જે છે કોષ્ટકમાં જ કરવાનું છે। હવે એક્સઆઈ, એક્સઆઈનો મતલબ થાય મધ્ય કિંમત, શું થશે મધ્ય કિંમત, તો કોની કઈ રીતે શોધવાનું જોઈએ, તો આ બંનેનું સરવાળો 0 + 10 / 2 તો 5, 10 + 20 = 30, 30 / 2 = 50, હવે જો અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ 10 10ની આવૃત્તિ વધતી જાય છે તો અહીંયા તમે 10 10 ઉમેરતા જાઓ,
पच्चीस पैंतीस अने पिस्तालीस थी गयु आटलू। हवे मने ये कॉलम क्यों कीधु छे एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई एटले आ एफ आई अने एक्स आई तो आ बने मल्टीप्लाय एफ आई एक्स आई फाइव क्रॉस फाइव ट्वेंटी फाइव, फिफ्टी क्रॉस एट वन ट्वेंटी, फिफ्टी क्रॉस ट्वेंटी फाइव। मित्रों साइंटिफिक कैल्सी यूज नहीं कर सको, पर सादू कैल्सी तो यूज कर सकसो, करव पड़ से थ्री सेवंटी फाइव, सोल गुणिया पैंतीस, ओके तो फाइव सिक्स जीरो अने फोर्टी फाइव क्रॉस सिक्स, ओके तो टू सेवंटी जीरो थी गयो। ओके आ थी गयु एफ आई एक्स आई। ओके हम एफ आई एक्स आई आई गयु, तो एफ आई एक्स आई ना ब्रेकेट अँ शूँ लेव पड़ से सिग्मा एफ आई एक्स आई, कोना लेव पड़ से मध्यक माटे, कोना माटे मध्यक माटे। तो टोटल एनो करिए तो टोटल आंसर थशे कैल्सी अंदर तमे यूज कर सको, तो टोटल आंसर एनो थशे वन थ्री फाइव जीरो। ओके हवे आना उपरथी हुं शुं शोधवुं पड़शे, पहेलुं मारे शुं शोधवुं पड़शे अहींया जोई शको छो शुं शोधवुं पड़शे मध्यक, शुं शोधवुं पड़शे मध्यक एटले एक्स बार, केम अहींया कॉलममां एक्स बार नी जरूर छे, तो शुं थशे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एटले केटलो थशे तेरसो पचास भाग्या पचास। ओके तो मारो आंसर आवशे ट्वेंटी सेवन, केटलो आव्यो ट्वेंटी सेवन मध्यक आव्यो। हवे हुं ट्वेंटी सेवन मांथी एक्स आई बात करीश, ओके ले फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी टू, पण केवा माइनस, पण अहींया मानांक छे खबर पड़े छे, अहींया केटलो आवी गयो सत्तावीस, ए शुं आवी गयो एक्स बार, अहींया शुं छे एक्स आई माइनस एक्स बार छे मित्रों, एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके तो एक्स बारनो मतलब शुं थशे आ सत्यावीस छे, तो एक्स आई केटलो छे पांच माइनस सत्यावीस एटले ट्वेंटी टू, पण माइनस, पण अहींया मानांक छे एटले प्लसमां आवशे, तो अहींया ट्वेंटी टू थशे, पंदर माइनस सत्यावीस माइनस बार, पण जवाब आवशे प्लसमां बार, पच्चीस माइनस सत्यावीस टू प्लस, तो टू अमने पैंतीस माइनस सत्यावीस एटले थशे आठ, अने पिस्तालीस माइनस सत्यावीस एटले थशे अठार। क्लियर थई गयो आटलो अठार, ओके सत्यावीस में। हवे एफ आई आ तो आई गयो, हवे आ कॉलम जोड़े एफ आई मल्टीप्लाय करो, तो आ बने बावीस गुणिया पाँच करवानो छे, अहीं जो एफ आई मानांक अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार, तो आ एफ मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार कॉलम तो आई गयो आई रही, और मल्टीप्लाय शूँ करवा एफ आई, तो एफ आई के पांच, तो ट्वेंटी टू क्रॉस फाइव करवाना है, तो थे वन वन जीरो, ओके ट्वेल्व बार गुण्या आठ छन्नू, ओके पंदर गुण्या बे तीस, पची सोल गुण्या आठ एक सौ अठावीस, ओके अने छ गुण्या अठार एक सौ आठ। चलो आनो टोटल आंसर शू थे सिग्मा एफ आई मानांक अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके चलो आंसर केटलो आवशे एनो, तो आ टोटल करो टोटल केटलू थाय छे, तो थशे फोर सेवंटी टू। ओके हवे हुं अहींया शोधीशु सरेराश विचलन एटले के रो एक्स बार, सूत्र शू थशे, हाँ लख्यू तो आपणे अहींया आ सूत्र लियो, शू थशे सिग्मा एफ आई मानांकनी अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। चलो आनो टोटल शू आयो फोर सेवंटी टू अपॉन एन केटला छे फिफ्टी। ओके तो आंसर थशे मारो नाइन पॉइंट फोर्टी फोर। ओके आटली वस्तु करशो मित्रों त्यारे तमने चार मार्क्स मळशे मित्रों। क्लियर तो आ प्रमाणे तमारे शोधी नाखवानुं छे। क्लियर मोस्ट आईएमपी छे, पूछाशे पेपर में सौ टका एक एक्जाम्पल हशे, हंड्रेड एंड टेन पर्सेंट एक एक्जाम्पल हशे मित्रों, तो एक बार चेक करी लो, अने एक होमवर्क हूँ तमने आपूँ छूँ अहींया, ए तमारे मने फटाफट जोया पछी तमारे मने अपलोड करवानुं छे। क्लियर तो आपणे अहींया होमवर्क आपी दीए छे, जोड़े जोड़े वर्क लई लीए, तो वर्क आप्यो छे मने जीरो थी टेन, टेन थी ट्वेंटी, ट्वेंटी थी थर्टी, थर्टी थी फोर्टी, फोर्टी थी फिफ्टी, ओके एंड फिफ्टी थी सिक्सटी। चलो ये आवृत्ति आपी है, फ्रीक्वेंसी ये आपी है सिक्स एट फोर्टी सिक्सटी फोर एंड टू। चलो सरेराश विचलन शोधी अने फटाफट कॉमेंट में मने आंसर आपो। क्लियर तो जेथी मने आइडिया आए कि कितला विद्यार्थी मित्रों आ काम करी रहा है। ओके तो मोस्ट टाइम भी है विद्यार्थी मित्रों, हजी आइडिया ना आए तो एक बार तमे रिवर्स करीने फरीथी जोई लो,
खास करीने कहूँ छू एक्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फोर ए नी त्रीजो अने फोर क्वेश्चन नंबर फोर बी नो त्रीजो आ हे और क्वेश्चन नंबर फाइव ए आखो आ एक्जाम्पल हे तो तैयार करवाना है। कोईपण टाइप प्रॉब्लम हो तो मैंने कॉमेंट कर सको और आगना विडियो जो हो तो तुम आग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मुकेली है। मार विडियो पर नवा हो चेनल पर नवा हो तो तुम फटाफट मारी चेनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन ऑन कर दो जेथी तमने एक आइडिया आई सके જ્યારે પણ મારો વિડીયો નવો અપલોડ થાય તરત નોટિફિકેશન આવી જશે અને તમે મારી તૈયારી સારી એવી કરી શકો મિત્રો। ઓકે તો નવા વિડીયો સાથે નવા દિવસે મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો પ્લીઝ, મહેરબાની કરી શેર કરવાનું ના ભૂલશો મિત્રો। ઓકે બાય।